दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टेयरकेस वायरिंग किस तरह से की जाती है। इसको जीना वायरिंग भी बोला जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे पहले वाला स्टेयरकेस है और ये दूसरा वाला स्टेयरकेस है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो को आपको पूरा देखना है, ओके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे एसी सप्लाई है, ऊपर का पॉइंट हमारे यहाँ पे फेज वायर का और नीचे का पॉइंट हमारे यहाँ पे न्यूट्रल वायर का है, समझ में। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 ट्वे स्विच यूज़ किए हैं, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरा ट्वे स्विच और ये चौथा वाला ट्वे स्विच, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज़ किए दो लैंप, एक लैंप ए और उसके बाद ये लैंप दूसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो लैंप यूज़ किए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर का पॉइंट हमारा फेज़ वायर का है, तो यहाँ से एक फेज़ वायर लिया हमने और इसको हमने पहले ट्वे स्विच के सेंटर में लगा दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो दूसरा ट्वे स्विच है उसके नीचे के पॉइंट से एक वायर लेंगे और इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे पहले ट्वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेके आए और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ओके, आया समझ में। उसके बाद जो दूसरा ट्वे स्विच है, यहाँ से एक वायर लेंगे हम, यहाँ से लेके आते हैं और पहले ट्वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इसको हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आए और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया हमने, ओके, आया समझ में। अभी क्या करना है, यहाँ से एक वायर लेंगे दूसरे ट्वे स्विच के सेंटर पॉइंट से, यहाँ से एक वायर इसको कनेक्ट कर दिया हमने। अभी इस लैंप को हमें न्यूट्रल देना है, ठीक है। तो क्योंकि उसके बगैर ये लैंप जलेगा नहीं, तो यहाँ से एक वायर लेते हैं और इसको हम कनेक्ट करेंगे, हमारा जो एसी सप्लाई है उसका जो न्यूट्रल का पॉइंट है उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आए हम और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो नीचे का पॉइंट है हमारा वो न्यूट्रल का पॉइंट है, ठीक है, आया समझ में। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो तीसरे वाला ट्वे स्विच का जो सेंटर पॉइंट है उसको हमें फेज देना है, बराबर। तो यहाँ से हम एक वायर लेके आएंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे एसी सप्लाई के फेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमारा फेज जाएगा ट्वे स्विच में मिल जाएगा, ठीक है, तीसरे वाले। उसके बाद क्या करेंगे, जो चौथा वाला ट्वे स्विच है यहाँ से एक वायर लेते हैं, ठीक है, और इसको कनेक्ट करेंगे तीसरे वाले ट्वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी जो चौथा वाला ट्वे स्विच है उसका जो ऊपर का पॉइंट है यहाँ से एक वायर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे तीसरे वाले ट्वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपको भी इस तरह से यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। अभी क्या करेंगे, जो चौथा वाला ट्वे स्विच का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक वायर लेते हैं और इसको हम कनेक्ट करेंगे लैंप के साथ, ओके। अभी इस लैंप को हमें क्या देना है, न्यूट्रल देना है, बराबर। तो यहाँ से एक वायर लेते हैं, यहाँ से एक वायर लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो इस लैंप को यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको रेड कलर का वायर दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का वायर है, कौन सा वायर है, फेज का वायर, ठीक है, ये रेड कलर का वायर फेज का वायर है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि फेज हमारा कहाँ से कहाँ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भी फेज वायर है, यहाँ से जाके हमारे तीसरे वाले ट्यूब स्विच के सेंटर पॉइंट में गया है, बराबर। और यहाँ से जाके फिर यहाँ पे दोनों पॉइंट शॉर्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। और ये हमारा ग्रीन कलर का वायर कौन सा है, न्यूट्रल का वायर है, कौन सा वायर है, न्यूट्रल का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, देखिए, कोई आदमी यहाँ पे आया, उसने ट्यूब स्विच को ऑन किया, बराबर। ऑन करने का वो क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर आने के बाद उसका जो फ्लैट है वो पहले फ्लोर पे है, बराबर। तो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इस लाइट को ऑफ करके फिर अपने घर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले फ्लोर वाले के आदमी के लिए, एकदम सही है, बराबर। अभी उसको क्या करना है, उसको नीचे भी आने का रहेगा, तो क्या करेगा, पहले इस लाइट को यहाँ से ऑन करेगा, यहाँ से जाएगा, इसको ऑन कर देगा और यहाँ से वो नीचे आएगा, ठीक है। तो पहले इसको ऑन कर दे, ऑन कर दिया, बराबर। और यहाँ से वो क्या करेगा, नीचे आएगा और नीचे आके वापस से यहाँ से उसको ऑफ कर देगा, ठीक है। तो देखिए ऑफ हो गया, ओके। लेकिन कोई आदमी है, उसको जाना है सेकेंड फ्लोर पर, यहाँ पर जाना है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए भी कुछ चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ से पहले लाइट को ऑन करेगा, ऑन कर दिया, बराबर। यहाँ से आएगा, यहाँ पे आने के बाद पहले क्या करेगा, वो जो दूसरी लाइट है उसको ऑन कर रहेगा, ठीक है, इसको ऑन कर दिया, बराबर। ऑन करने के बाद ये लाइट यहाँ पे चालू हो गए और पहले वाली लाइट को ऑफ करेगा, इस लाइट को ऑफ कर दिया, बराबर। यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद उसका जो फ्लैट है यहाँ पर ही है, बराबर। तो पहले जो ऊपर वाली लाइट को यहाँ पे ऑफ कर देगा और अपने घर में चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान और सरल है, बराबर, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अभी उसको क्या करना है, नीचे भी जाने का रहेगा, तो वो क्या करेगा, पहले इसको ऑन करेगा, ऑन करने के बाद वो नीचे आएगा यहाँ पे, बराबर। अभी इसको ये ऑफ नहीं करेगा, पहले क्या करेगा, जो पहले वाला लैंप उसको ऑन करेगा, वापस से इसको ऑफ करेगा, क्योंकि ये दोनों भी स्विच एक दूसरे के नज़दीक है, बराबर। लेकिन इसमें डायग्राम में हमें अलग दिखा है, ऐसे जाएगा, नीचे आएगा और इसको यहाँ पे ऑफ कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वायरिंग होती है। आपको समझ में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है।